चाय और फिर दोबारा पेश किया जाता है। क्या इतना खाती हैं वो? कुछ दिनों के वक्फे से दोपहर का खाना ना पेश करने का हुक्म है उनका। उन दिनों में वो शहद और अदरक की चाय पीना पसंद करती हैं। जो खाना चबाना मुश्किल है, सुनवान ने उन डिशेस को हाथ लगाए बगैर ही वापस भेज दिया। मगर वो ये सर्व करने से मना नहीं कर रही, अपनी बीमारी छुपाना चाहती है। वो आदमी सिर्फ देखने में ही अच्छा है, लेकिन महारत कुछ खास नहीं। लेकिन देखने में तो ये सारे अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ। ओहो, लड़कियों की तरह क्यों आवाजें निकाल रही हो? जान नहीं है क्या? फिर से कहो, निशुम। मेरे प्यारे शाही अफवाज के वजीर, कान बंद कर ले, फट न जाए। ओहो, हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो? वैसे तुमने बादशाह से उनके खास मुहाफिजों में शामिल होने की गुजारिश पेश की है क्या? मुझे पता चला था कि बादशाह के मुहाफिजों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इससे बेहतर क्या हो सकता था, तो बोल दिया। पता तो होगा ना कि ज्यादा काम करने से मेरे सर में दर्द हो जाता है। मिल गया तुम्हें? हाँ, मुझे मिल गया। कहाँ है? बहुत ही नायाब जड़ी बूटी से बना है ये, ना खुशबू ना कोई जायका। चाय में मिलाकर पिला दूं तो बंदा सारा सच खुद ही उगल देता है। हो सकता है वो छुपकर मंसूबा बना रही हो और सही वक्त का इंतजार कर रही हो। उस मंसूबे का पता लगा कर ही रहूंगा। बहुत चालाक है वो औरत, बहुत कुछ जानती है वो। योंगप्योंग के दिल में तख्त की कोई लालच नहीं। सारा दिन वो बादशाह के साथ गुजारता है और फिर रात उस बेवकूफ होंग ब्योल गैम के साथ ताश के पत्ते खेलता रहता है। होंग ब्योल गैम इतना बेवकूफ है कि उस पर तनख्वाह जाया ही हो रही है। शाही मुहाफिजीन तो वैसे ही नालायक होते हैं, तो उसे शामिल करने से कुछ नहीं होगा। होंग के वालिदैन को हमने उसी की आंखों के सामने उन्हें बेदर्दी से मार दिया था। नसीहत हो चुकी होगी उसे अब तक। वैसे हम कब तक मलिका के वालिद को शाही मुहाफिजीन का सरबरा बनाएंगे? कोई मसला हो गया है क्या? मैं चाह रहा था कि मलिका के वालिद का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जाए। क्या तुमने फौज के अनाज में से फिर से चोरी की है?